हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख रहे हैं। चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें वेरियस फॉर्मुलेस का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और सभी फॉर्मुलेस को मैं आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल का यूज करते हुए। तो सबसे पहले आज अपन लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो ले रहे हैं, और लिक्विडिटी रेशियोज में अपन डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं वो देख रहे हैं अपन करंट रेशियो, सही है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के लिए एक वर्किंग नोट बना देना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी करंट एसेट्स है। इससे टीचर को कॉपी चेक करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले एक वर्किंग नोट हम बना रहे हैं करंट एसेट्स के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन में काफी सारे कंटेंट आपको दे रखे हैं और आपको उसमें से सॉर्ट आउट करना है कि कौन कौन सी इसमें से करंट एसेट्स हैं और कौन सी करंट लायबिलिटीज है, जो कि अपन फॉर्मुलेस के वीडियोस में देख भी चुके हैं। तो देखिए, करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। एक तो है करंट इन्वेस्टमेंट, ये करंट इन्वेस्टमेंट है आपके 40,000 के। इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री वैसे तो आपको दे रखी है 2,80,000 की, लेकिन ब्रैकेट में आपको दे रखा है कि इसमें लूज टूल्स भी इंक्लूडिंग है 50,000। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर स्पेशली एक अजम्पशन है कि वैसे तो लूज टूल करंट एसेट्स है, लेकिन करंट रेशियो की कैलकुलेशन में उसे शामिल नहीं करते। तो वैसे तो 280 है, बट 280 हम शामिल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 280 में से उस 50 को लेस कर देंगे जो कि लूज टूल का है। बाकी की इन्वेंट्री हम ले लेंगे, दैट इज 2,30,000। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके दोनों आ जाएंगे, डेटर भी आ जाएंगे। एक तो आपके डेटर्स हैं, वो हैं 1,60,000 के, और एक आपके बिल रिसीवेबल हैं, ये भी आपके करंट एसेट्स होते हैं। ये कंटेंट जो है अपन पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, सही है। इसके अलावा करंट एसेट्स में आप देखिए, और नीचे कैश एंड बैंक है आपका 30,000, कैश एंड बैंक दे रखा है 30,000। इस तरीके से वर्टिकली जो है अपन ने सभी को लिख दिया और इनका टोटल आपका आ रहा है 4,80,000। ये आपकी क्या गई, करंट एसेट्स। अब हम करंट एसेट्स की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, करंट एसेट्स आपकी 4,80,000। सेकंड वर्किंग नोट अपन को बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज के लिए। अब करंट लायबिलिटीज देखते हैं अपन, सबसे ऊपर आपका नॉन करंट, करंट, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपके देखिए क्रेडिटर्स हैं आपके 1,20,000, बिल पेबल हैं आपके 10,000। ये वैसे तो दोनों मिलकर आपके ट्रेड पेबल्स बन जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म तो ले नहीं सकते। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको दे रखी है 50,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपके 50,000, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है टैक्सेशन का, जो कि आपको इसी साल पे करने पड़ेंगे। तो टैक्सेशन की जो आपकी लायबिलिटी है वो है आपकी 20,000। तो 120 प्लस 10 130, 150, 180 एंड 20, दैट इज 2,00,000। ये करंट लायबिलिटीज का टोटल आ गया, दैट इज 2,00,000। तो ये करंट एसेट्स हमने यहां से फाइंड आउट कर ली, ये करंट लायबिलिटीज हमने वहां फाइंड आउट कर ली, देन 480 डिवाइड बाय 2,00,000 कर दिया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 2.4। वैसे तो ये आंसर है, बट इसको इस टू वन के कंपैरिजन में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आपके पास 2.4 करंट एसेट्स है, या फिर मैं ये कह दूं 2.4 करंट एसेट्स को है आपके पास एक लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। वैसे करंट रेशियो का जो आइडियल होता है वो होता है 2:1। तो 2:1 जो है वो स्टैंडर्ड है, इसके आसपास अगर रहता है तो ये तो स्टैंडर्ड से भी अच्छा ही है 2.4। तो इस तरीके से आपको कमेंट भी करना पड़ सकता है कि ये रेशियो जो आपने निकाला है ये आपकी फर्म या कंपनी के लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो आइडियल रेशियो से कंपेयर करके भी आप दिखा सकते हो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका करंट रेशियो इलस्ट्रेशन नंबर। अब हम देखते हैं इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, और उसमें दोनों रेशियोज जो हैं वो आपको दिए गए, कैलकुलेट करने के लिए कहे गए हैं। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम देख रहे हैं।
इसमें आपसे पूछा गया, एक तो करंट रेशियो पूछा है और एक आपका क्विक रेशियो पूछा है, इसको अभी अपन देख रहे हैं। कंटेंट आपको दे रखे हैं काफी सारे, तो वही पहले अपन को वर्किंग में बना लेना चाहिए कि करंट असेट्स हमारी जो है वो कौन कौन सी है। देखिए शुरू से देखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 46,000 का। इसके अलावा इन्वेंट्री है, जितनी भी टाइप की इन्वेंट्री है सब आपकी करंट असेट्स हैं, 110 है, 30 है, 120 है, 40 है, टोटल 3 लाख की आपकी इन्वेंट्री है। ये इन्वेंट्री के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मशीनरी करंट असेट्स नहीं है, कंप्यूटर करंट असेट्स नहीं है, देन ट्रेड पेबल्स दे रखा है, तो वो भी साथ में बना लेता हूं आपका वर्किंग नोट। करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, और ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं 1,70,000। इनको हमेशा वर्किंग नोट बनाकर दिखाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रेड रिसेबल आपकी करंट असेट्स होती है, इनसे तो आपको पैसा लेना है, ये आपकी है 2 लाख, लॉन्ग टर्म कभी आ नहीं सकता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 50,000, वो आपकी करंट असेट्स है। इसके अलावा लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन 30,000 आपको चुकाने हैं, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी है, 30,000 पे करना है आपको। लायबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन आपको दे रखा है, वो इस साल नहीं चुकाना है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा डिविडेंड पेएबल, इसके आगे पेएबल वर्ड लग गया है, जिसके आगे भी वर्ड पेएबल लग जाए तो वो आपकी करंट लायबिलिटी बन जाती है, और ये डिविडेंड पेएबल आपको दे रखा है 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपकी करंट लायबिलिटी है, और ये है आपकी 10,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट असेट्स है, ये आपको दे रखा है 20,000। सही है, तो करंट असेट्स का जब हम टोटल कर रहे हैं तो ये टोटल आपका बैठ रहा है 5,76,000, और करंट लायबिलिटीज जो हैं जब हम इनका टोटल कर रहे हैं तो ये टोटल आपका बैठ रहा है 3,20,000। तो ये करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज निकल गई है। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कितनी है 5,76,000, और करंट लायबिलिटी कितनी है 3,20,000। तो 576 डिवाइड बाय 320 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.8। और मैंने आपको बताया जब भी आप करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उसको इस टू वन के कंपैरिजन में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, दिस इज योर आंसर। तो वैसे तो करंट रेशियो निकल गया, एक और पूछा है इसमें क्विक रेशियो, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो इसको कह सकते हैं। फॉर्मूला है आपका लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फुल फॉर्म सिम की आप पहले ही अलग से लिख लेना, जिससे कि बीच बीच में आपको परेशान ना होना पड़े। तो लिक्विड एसेट्स की बात करें तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो ये आपका क्या निकल जाएगा, लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपने कितनी कैलकुलेट किए, देखिए करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट किए हैं 5,76,000। इन्वेंट्री ये दे रखी कितनी 3 लाख, इसको लेस कर दो, और प्रीपेड आपको कितने दे रखे हैं 20,000, इसको भी आप लेस कर दो। तो 576 में से जब ये दोनों लेस होंगे तो देखिए इन्वेंट्री में भी एक बात दे रखी है, इसमें लूज टूल है, तो लूज टूल का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेंट्री जो है उसमें इंक्लूडिंग लूज टूल है 40,000, तो वो वहां आप 260 ही लेंगे, और यहां भी आपको इन्वेंट्री जो है वो आपको 260 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि लूज टूल शामिल थे उसमें 260। तो 260 और 20 आपके लेस हो जाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा 296। तो आपका लिक्विड एसेट्स कितना आ गया 2,96,000। और करंट लायबिलिटी में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, करंट लायबिलिटी अभी भी आपकी कितनी है 3,20,000। तो 2,96,000 डिवाइड बाय 3,20,000 दैट इज 0.925, और इस टू वन के कंपैरिजन में तो आपको लिखना ही है तो ये आपका आ गया इस टू वन। तो ये भी आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ एक अपन ने मिस्टेक कर दी थी, ध्यान रखना अपन ने लूज टूल शामिल कर लिया था, लूज टूल मैंने इसमें से हटा दिए हैं, और यही बात यहां भी शामिल है कि इन्वेंट्री में लूज टूल शामिल नहीं हो सकते, ऐसा अपन ने पिछले एग्जांपल में किया था, सही। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब ये करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के आगे का एक्सटेंशन है, इसमें हम मिसिंग के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11,
कहता है वर्किंग कैपिटल है 45,000, टोटल डेप्ट है 1,00,000 जो गिवन है पहले मैं वो लिख रहा हूं, और लॉन्ग टर्म डेप्ट है आपका 70,000। ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, कहता है करंट रेशियो फाइंड आउट करो। ये लो जी, अब ना तो करंट एसेट्स है ना करंट लाइबिलिटीज है, लेकिन देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बैलेंस शीट का थोड़ा सा कंटेंट ध्यान रखना चाहिए। बैलेंस शीट में यहाँ आपका करंट नॉन करंट एसेट्स था, यहाँ करंट एसेट्स था, यह आपका हो जाएगा टोटल एसेट्स, यहाँ आपका शेयर होल्डर फंड था, यहाँ आपका नॉन करंट लाइबिलिटी था, और यहाँ आपका करंट लाइबिलिटी था। सही है, यही कंटेंट आपके बैलेंस शीट में आते हैं, टोटल लाइबिलिटी बन जाते हैं। टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट यानी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं टोटल डेप्ट, ये दोनों ही आपको पे करने हैं। टोटल डेप्ट आपका 1,00,000, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेप्ट है 70। अब देखो सोचने की बात ये है, टोटल तो 1,00,000 है इन दोनों का, और ये 70 है तो ये कितना होगा, ये अपने आप ही 30 होगा, हो गया 1,00,000, ठीक है। और इसके अलावा आपको कहता है कि वर्किंग कैपिटल 45,000। देखो वर्किंग कैपिटल का आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 45,000, और करंट एसेट्स तो पता नहीं, लेकिन करंट लाइबिलिटी हमें पता है, करंट लाइबिलिटी कितनी है 30,000। अब ये माइनस 30 है, वहां जाके प्लस हो जाएगी, तो 45 + 30 इक्वल्स टू करंट एसेट्स, सो करंट एसेट्स आर 45 + 30 दैट इज 75। अब करंट एसेट्स भी है, करंट लाइबिलिटीज भी है, करंट रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स है 75,000, करंट लाइबिलिटी है 30,000, तो 75/30 दैट इज 2.5:1, दिस इज योर आंसर। तो देखिए मिसिंग के क्वेश्चन में क्या है कि डेटा आपको एकदम बिखरा हुआ दे रखा होगा, आपको उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, आप उसको बैलेंस शीट में सोचिए कि ये चीजें अपन को क्या क्या गिवन है और क्या क्या चीजें अपन मिसिंग है, उन्हें हम कैलकुलेट करें। सही है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। आगे अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20 अपन देख रहे हैं। फर्म एज ए करंट रेशियो, करंट रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये आपको दे रखा है 3.5:1। कहता है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का मतलब हो गया लिक्विड रेशियो, यानी फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये दे रखा है 2:1। और कहता है इन्वेंट्री है 24,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेंट्री कितनी है 24,000। ये सब इंफॉर्मेशन जो है आपको इसके अंदर गिवन है, और हमें कहता है कि बताइए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी क्या होगी, करंट एसेट भी पूछिए और करंट लाइबिलिटी भी पूछिए। अब देखो इंफॉर्मेशन के हिसाब से चले तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी इक्वल टू का साइन हो, सी ए इंटू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, सी ए इंटू 1 सी ए इक्वल टू 3.5 करंट लाइबिलिटी। अब ना तो सी ए पता है ना सी एल पता है, एल ए इंटू 1 एल ए इक्वल टू 2 सी एल, ठीक है अभी भी नहीं पता, अगर ना सी ए पता है ना सी एल पता है ना एल ए पता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है, सर करंट एसेट्स में से जब हम इन्वेंट्री लेस करते हैं तो लिक्विड एसेट निकलता है, मैंने इसको एक्सपेन कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा खोल लिया, लिक्विड एसेट कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री करने से इक्वल्स टू 2CL। अच्छा सीए का मतलब क्या है, सीए का मतलब है 3.5CL, तो मैं सीए की जगह क्या लिख लेता हूं 3.5CL, देखो वैल्यूज यहां से ले ली, माइनस इन्वेंट्री का मतलब क्या है 24,000 इक्वल्स टू 2CL, टू करंट लाइबिलिटी, ये टू करंट लाइबिलिटी यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3.5 करंट लाइबिलिटी ये इधर ले आओ माइनस टू करंट लाइबिलिटी, और ये माइनस का 24 वहां जाके प्लस का 24 हो जाएगा, 3.5 में से 2 गया तो बचा 1.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 24,000, सो करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 24,000 डिवाइड बाय 1.5, सो करंट लाइबिलिटी 24,000 डिवाइड बाय 1.5 आप करेंगे ये आपका आ रहा है 16,000। तो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, करंट लाइबिलिटी आपकी आ गई 16,000। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, सीए का मतलब है 3.5 करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी अब हमें पता लग गई है, करंट लाइबिलिटी है 16,000, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है 16,000, तो सीए इक्वल टू 3.5 × 16 दैट इज 56,000, ये भी आपका आंसर आ गया, सीए आ गया
करंट लायबिलिटी आ गया, यही दो चीजें पूछी थी आपकी, दोनों निकल गई हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि आपको फॉर्मूला जो है उसमें वेरियस एस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं से इनपुट करने पड़ सकते हैं। तो आपको सभी फॉर्मूले लिख लो, वैल्यूज पुट करो, अपना आंसर अपने आप निकलेगा, सही है। अब हम इसके लिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन में कहता है वर्किंग कैपिटल है 2,50,000 और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट आपको दे रखी है 4,00,000 और टोटल डेप्ट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। भाई या तो लॉन्ग टर्म में पे करोगे या शॉर्ट टर्म में, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल डेप्ट निकल जाएगा। इसके अलावा इन्वेंट्री दे रखा है 2,00,000 और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है 10,000। ये डेटा जो है आपको गिवन है, इसके अपन को यूज करना है। तो देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको गिवन है 3,20,000, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा शॉर्ट टर्म डेप्ट को आप करंट लायबिलिटी कहते हैं तो ये करंट लायबिलिटी लिख देते हैं। अब ये 4,00,000 में से 3,20,000 वहां जाके लेस हो जाएंगे तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। करंट लायबिलिटी कितनी निकल जाएगी? करंट लायबिलिटी निकल जाएगी 80,000, सही है। करंट लायबिलिटी 80,000 निकल गई तो ये 80,000 आप यहां पुट कर सकते हो, ये करंट एसेट सही। ये माइनस का 80 है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो सीए कितना निकल जाएगा 3,30,000। तो करंट एसेट कितनी आ गई? 3,30,000। अच्छा क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब क्या हो गया? लिक्विड रेशियो। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमको पता है कितनी है, 80,000, लेकिन करंट एसेट्स तो पता है, लिक्विड एसेट नहीं पता। लिक्विड एसेट कैसे निकलती है? सर करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड को लेस कर दो। करंट एसेट कितनी है? हमने यहां करंट एसेट कैलकुलेट की थी 3,30,000। इन्वेंट्री आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन थी 2,00,000। प्रीपेड आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन थे 10,000। तो 3,30 में से आपके 2,10 चले जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 1,20,000। ये क्या आ गई आपकी? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स की वैल्यू यहां पुट कर दो तो 1,20,000 डिवाइड बाई 80,000 ये आपका आ गया 1.5 और इस टू वन का हमेशा करना कंपलसरी है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन ने वेरियस क्वेश्चन जो हैं वो लिक्विडिटी रेशियोज के किए हैं। इसके अंदर अपन ने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को कवर किया है। ओके थैंक यू।